नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक रहस्यमय सुरंग का पता चला है जो कि लाल किले तक जाती है। इस सुरंग को अब आम पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इसके इतिहास को लेकर पूर्ण रूप से पता नहीं चल सका है। दरअसल अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अंग्रेजों के वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाता था। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने हाल ही में बताया है कि चिराग पासवान अपने पिता की बरखी पर सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 9 सितंबर को चिराग को मिलने का समय मिला है। बरखी पर वामपंथी दलों के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों पर टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान को उसी की भाषा में दो टूक जवाब दिया है। नकवी ने कहा कि भारत में मस्जिद से नमाज अदा करके निकलने वाले मुस्लिमों को गोली नहीं मारी जाती है, उनके हाथ पैर नहीं काटे जाते और न ही यहाँ लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी IIT इसी वर्ष नवंबर में एक अनुसंधान विकास यानी R&D मेला आयोजित करने जा रहा है। देश के सभी 23 IIT संस्थान संयुक्त रूप से इस अनुसंधान एवं विकास मेले को आयोजित करने जा रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस नई पहल से जुड़ी एक वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS1 इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर मनीष नरवाल और रजत पदक जीतने पर सिहराज अधाना को हार्दिक बधाई और शुभकामना दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को 4 पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान किया जिसमें भाला फेंक F64 के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतल शामिल है। खेल मंत्री ने इस दौरान उम्मीद जताई है कि भाला भारत में क्रिकेट के बल्ले की तरह ही लोकप्रिय हो जाएगा। गंगा नदी का जलस्तर हर जगह पर कम होने लगा है। दीघा घाट में 9 घंटे में जलस्तर 3 सेंटीमीटर कम देखा गया है। इसके अलावा गांधी घाट, हाथीदह में भी जलस्तर कम हो गया है। गंगा के साथ साथ सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में गिरावट होने लगी है। पुनपुन नदी 55 सेंटीमीटर और सोन नदी का जलस्तर 18 सेंटीमीटर नीचे हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने इस कदम के उद्देश्य और 4 साल की अवधि के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने के मुख्य लक्ष्य के बारे में देश के समक्ष स्थिति स्पष्ट करे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा है कि जिन संपत्तियों की पहचान NMP के तहत की गई है उसकी भी सारी जानकारी जनता को दी जाए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सिमरिया धाम में पर्यटन को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बेगूसराय का सिमरिया धाम राष्ट्रीय फलक पर पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। यहां पर गंगा पर्यटन और टूरिज्म उद्योग की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसको लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। पिछली बार जीती सीटों की संख्या में गिरावट के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बनाएगी। ABPC वोटर IANS बैटल फॉर द स्टेटस वेव 1 में सामने आए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। भारत और अमेरिका के बीच इस साल नवंबर में 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बात की जानकारी दी है। इस बाबत उन्होंने कहा कि हम 2+2 वार्ता को लेकर उत्साहित हैं जो नवंबर में होगी। अभी वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी के भविष्य निधि में 1 साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर गणना के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में 1 साल की अवधि में भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के संयुक्त रूप से अधिकतम 2.5 लाख रुपए के योगदान पर मिलने वाले ब्याज को कर मुक्त रखने की सीमा तय की थी। पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की केवल 3 सीटों और ओडिशा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और वोटरों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मेगा महापंचायत का आयोजन करने का फैसला किया है। वहीं इस दौरान टिकैत ने कहा कि मैं वादा कर सकता हूं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। किसानों को महापंचायत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो हमें रोकते हैं तो हम बैरियर तोड़ते हुए पहुंचेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की कार्यशैली से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से सक्सेस रेट बताने को कहा है। CBI द्वारा मुकदमा चलाए जा रहे मामलों में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सफलता दर में डेटा मांगा है। पैरालंपिक खेलों में खिलाड़ी मनीष नरवाल ने शूटिंग में P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। वहीं इसी इवेंट में भारत के ही सिहराज अडाना ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। इस गोल्ड के साथ ही मनीष ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 3रा मेडल दिलवाया है।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए मशहूर जोमैटो ने ब्रिटेन और सिंगापुर से अपने कारोबार को समेटने का फैसला ले लिया है। जोमैटो ने भारतीय बाजार को भी इसकी जानकारी दे दी है। कंपनी के मुताबिक ब्रिटेन में सब्सिडरी जोमैटो यूके लिमिटेड और सिंगापुर में जोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी महीने यानी सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिका दौरे पर जाने की उम्मीद है। सरकार के टॉप सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री सितंबर के आखिरी सप्ताह में वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का दौरा कर सकते हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला अमेरिकी दौरा होगा। सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम विदाई के दौरान जिस तरीके से मीडिया कर्मियों ने परिवार वालों का रास्ता रोका, ऐसे में कई सेलेब्स ने अपनी नाराजगी जताई है। वहीं इसको लेकर अनुष्का शर्मा भी काफी नजर दिखी है। उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मीडिया कवरेज पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा कि आजादी के पहले से लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव रहा है और बिना कानून व्यवस्था के यह सफल नहीं हो सकता है। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने माना है कि टीम इंडिया की गलती है। उन्होंने कहा है कि हमने दिन की शुरुआत की थी और शुरुआती 40 मिनट के भीतर 2 विकेट हासिल कर लिए थे। मुझे लगता है कि इसके बाद हमारे प्रदर्शन में गिरावट आई और हमने महज 7 या 8 ओवर में कुछ 40 रन के आसपास खर्च कर दिए। कार्गो टर्मिनल सुविधा कश्मीर घाटी से विदेशी बाजारों में बागवानी उत्पाद, हस्तशिल्प और अन्य सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू होने से पहले श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल सुविधा स्थापित की जाएगी। रेलवे जल्द ही अपने यात्रियों के लिए एक और एसी क्लास जोड़ने जा रहा है। इसका नाम AC 3 इकोनॉमी क्लास होगा। रेलवे ने इस AC 3 इकोनॉमी क्लास के लिए नए कोच भी तैयार कर लिए हैं। रेलवे का मकसद अपने यात्रियों को बेहद किफायती टिकट पर एसी क्लास की यात्रा कराना है। देश में शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 42,612 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 330 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 36,385 लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,21,00,000 हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस बढ़कर 4,05,681 पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले मनीष नरवाल और सहराज सिंह अडाना की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय खेलों के लिए यह खास पल है। टोक्यो पैरालंपिक से गौरवशाली क्षण लगातार आ रहे हैं। युवा और प्रतिभाशाली मनीष नरवाल की महान उपलब्धि, उनका स्वर्ण पदक जीतना भारतीय खेलों के लिए एक खास क्षण है। उन्हें बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर पर भी कब्जे का दावा किया है। इसी के साथ पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का ऐलान किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर की अगुवाई में नई सरकार बनाई जा सकती है। आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया योगा ऐप बनाया गया है जो आपके रूटीन वर्क और हेल्थ प्रोफेशनल्स से जुड़ा रहेगा। इस बाबत सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन वाई ब्रेक डाउनलोड करने को कहा है, जिसमें 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल इनबिल्ट है। IANS के ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनावी मुकाबले में फिर से काबिज होती दिख रही है। ओपिनियन पोल के नए सर्वे के अनुसार भाजपा के 2022 में सत्ता में लौटने की उम्मीद जताई गई है। तालिबान के निमंत्रण पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के प्रमुख जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए हैं। उनके साथ पाकिस्तानी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। पाकिस्तान और उनके खुफिया एजेंसी पर तालिबान का समर्थन करने का आरोप हमेशा से लगाया जाता रहा है। भारत का व्यापारिक निर्यात अगस्त 2021 में बढ़कर 33.14 अरब डॉलर हो गया है, जो सालाना आधार पर 45.17% ज्यादा है। अगस्त 2020 में निर्यात 22.83 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को देखें तो अगस्त 2019 की तुलना में निर्यात में 27.5% की वृद्धि हुई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अल्तमाज जावेद, अनवर हुसैन, ओमकार सिंह, मुकेश कुमार, सर्वेश कुमार, संतोष ठाकुर, इंडिया एक्सप्रेस, मिथिलेश कुमार, रामाशीष पाल, चिंटू कुमार, राजू प्रजापति, निर्मल दास, दीपेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके जिले की सबसे मशहूर चीज क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।